पैरालिज्म का मतलब होता है जो काम अभी होने वाले हैं वो डिले किया जाता है। ओके, तो कोई भी यार अभी चांस है, एनवायरनमेंट है, प्रॉफिट कमाने का, बिजनेस चलाने का, लाइसेंस के लिए डालता हूँ मैं, वो आता है 10 साल बाद, क्या करूँगा मैं उसका? ओके, इट वॉज डिफिकल्ट। नंबर टू, ये लाइसेंसिंग सिस्टम अपनाने का ये भी कारण था कि हम अपने देश को किसी के लिए भी बहुत अमीर बनने या फिर बहुत गरीब बनने ये नहीं चाहते थे, हम इक्वल डेवलपमेंट चाहते थे। इसलिए गवर्नमेंट चाहता था कि वो रेगुलेट करे। ओके, वो चाहता था कि जो लाइसेंस मांग रहा है उसका एनवायरनमेंट क्या है, रूरल एरिया है, शहर एरिया है। ओके, अगर ये रूरल एरिया है और वहाँ की इकोनॉमी डेवलप होनी है तो वो चाहता था कि उसके लिए लाइसेंस मिले। अगर ये शहर एरिया है तो कौन से कंडीशन में उसके लिए लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन ये रेड टाइपिज्म का एक विक्टिम बन गया और इस तरह से हमारा इकोनॉमी वहीं रुकने लगा था। ओके, और इस रेड टाइपिज्म को, इस लाइसेंसिंग राज को 1991 खत्म कर दिया। ओके, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक रेवोल्यूशन आया कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर अब फ्री हो गया अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिना लाइसेंस के। ऑलराइट, और दूसरी बात, इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड को एक देश से दूसरे देश ले जाने और लाने का परमिशन भी दिया गया। ओके, कोटा सिस्टम खत्म किया गया। ऑलराइट, तो इंडस्ट्रीज में ये चेंजेस थे, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया गया जो प्राइवेट हैं उनको, कि वो अपने से इंडस्ट्री चला सकते हैं, उसमें कोई गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस नहीं होगा। सो वन ऑफ द की पॉइंट्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज दैट द एंड ऑफ लाइसेंसिंग राज। ऑलराइट, विद दिस लेट अस मूव टू द सेकेंड पॉइंट, फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर बहुत ही बड़ा पॉइंट है। ओके, इट प्लेस अ की रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन दिस जितने भी बैंक्स थे ये सरकार ऑपरेट करते थे, सरकार का हाथ रहता था, लेकिन 1991 में प्राइवेट बैंक्स के लिए फ्रीडम दिया गया कि बैंक्स कुड, प्राइवेट बैंक्स ऑल्सो कुड रन इन इंडिया। ओके, दैट वॉज अ वेरी गुड पॉइंट, अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू डेवलप आवर इंडियन इकोनॉमी फॉर प्राइवेट सेक्टर। ऑलराइट, नाउ विद दिस देर आर टू थ्री मोर पॉइंट्स दैट लेट अस सी। वी आर सीइंग हियर SLR वॉज अराउंड 38.5%, इट वॉज रिड्यूस्ड टू 25%। इससे क्या हो गया? SLR क्या है? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है? ये हमारे RBI से इंस्ट्रक्शन आते हैं कि बैंक जो है लीगली इतने अमाउंट में कुछ पैसे जमा करके रखने हैं। ओके, और वो अमाउंट अगर रख दिया गया है तो समझ लो वो अमाउंट ब्लॉक कर दिया गया है, रोक दिया गया है, उसका हमारे इकोनॉमिक प्रोडक्शन साइकिल में यूज़ नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारी RBI ने उसमें कुछ छूट रखा कि वो जो SLR है उस अमाउंट को कम कर दिया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो है एंटरप्रेन्योर्स को, एक प्रोड्यूसर्स को, एक इन्वेस्टर्स को अवेलेबल लोन के तौर पर हो सके। तो ये एक अच्छा पॉइंट था। वैसे ही CRR जो 15% थे वो 4% आसपास रख दिया गया, 4.1 यहाँ लिखा है। ऑलराइट, CRR क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। ये वंस अगेन बैंक अपने पास जो है कुछ रिजर्व्स रखते हैं इमरजेंसी के लिए, तो ये भी RBI का इंस्ट्रक्शन के तहत कम से कम रखा गया। अगर हम उसको रिजर्व रख रहे हैं इसका मतलब वो इकोनॉमिक साइकिल में नहीं है, इकोनॉमिक साइकिल में नहीं है मतलब वो अमाउंट ब्लॉक हो गया है। तो RBI कोशिश किया उसको निकालने के लिए। अगर ये अमाउंट जो है रिजर्व अमाउंट है वो कम से कम रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्टर्स के लिए, है ना, डेवलपर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए लोन के रूप में दिया जा सकता था। ऑलराइट, तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट था हमारे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। ऑलराइट, इसके साथ हम आगे का पॉइंट देखते हैं।